हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू अपीयर इन इंटरव्यू। स्टूडेंट, ये बहुत हमारा नॉर्मल टॉपिक रहता है और इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स रहेगी आपके जीवन में। अगर मैं देखूँ कि हमें इंटरव्यू किस तरह क्रैक करना है, तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कभी भी आप इंटरव्यू देने में जाओ। सेकेंड आपका आ जाता है आपका जॉब प्रोफाइल। हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कि एक्चुअल में हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है हमारे फॉर्मल। अगर हम फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे तो एक कंपनी के आगे भी हमारी एक अच्छी इमेज बनेगी, लेकिन अगर हम कैजुअल में जाएंगे इंटरव्यू में, वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फोर्थ हमारा आ जाता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल किसी भी के भी पर्सन के माइंड में एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और फर्स्ट इंप्रेशन में हमारी क्लैरिटी हो जाती है कि ये किस तरह का पर्सन है। तो सुनो, हमने ध्यान रखना है कि जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अच्छे हों और अपने आप को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा मुझे जो मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है नेक्स्ट पॉइंट जो इंटरव्यू में आपको चाहिए, वो सबसे बड़ा पॉइंट है आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे, बिकॉज हमें क्या होता है कि हमें रेज्यूमे में हम ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, बट हमें ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें याद नहीं रहती। सेकेंड वन जो रेज्यूमे में देखा जाता है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्टूडेंट्स, हमें वही स्ट्रेंथ और वीकनेस यूज़ करनी चाहिए जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है। ऐसा ना हो हम किसी कट कॉपी पेस्ट करके स्ट्रेंथ वीकनेस एक बार लिख लें, बट उसको अच्छे से इंटरव्यू के टाइम रिप्रेजेंट ना कर सकें, तो हमारे लिए वो नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। और नेक्स्ट जो अगर पॉइंट की बात करूँ, तो एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएं, सबसे पहले उसकी वेबसाइट सर्च करें, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, कब से वो कंपनी स्टार्ट हुई है। सेकेंड वन जो उसमें आ जाती है कि कंपनी का टर्नओवर क्या है। थर्ड वन आ जाती है कि कितने एम्प्लॉयज हैं उस कंपनीज में। फोर्थ आ जाती है कि उस कंपनीज का हेडक्वार्टर और कॉरपोरेट ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं। फिफ्थ वन आ जाती है कि कंपनीज की ईमेल आईडीज कहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, और अगर इन सभी चीज़ों को आप एप्लीकेबल करते हैं तो किसी भी इंटरव्यू को आप इजिली क्रैक कर सकते हैं, इजिली अपीयर हो सकते हैं। और ये अगर ये चीज़ें आपने सभी चीज़ें आपको क्लियर हैं, तो कोई भी इंटरव्यू इजिली आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और डेफिनेटली अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं, अच्छे से इम्प्रूव कर कर जाओगे, तो आपकी इजिली कोई भी इंटरव्यू आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे, और इन टॉपिक का मुझे जो लगता है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे कि जो मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, ये बात पहुँचे मेरी तरफ से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।